तो आहट है, खतरे की आहट है, क्योंकि 120 घंटा प्रति घंटे की रफ्तार से बताया जा रहा है कि हवाएं चलेंगी जब ये दाना तूफान टकराएगा। बिल्कुल, और इससे पहले भी हमने देखा कि ओडिशा और बंगाल जिस तरह से तूफान को लेकर उनकी नीतियां रही हैं, या अरेंजमेंट आप कह दीजिए, एहतियाती कदम है, वो बहुत बेहतर रहे, जिससे बहुत सारे नुकसान को बचाया गया। और इस बार भी एहतियाती वही सारे कदम यहां पर उठाए जा रहे हैं। कई सारी एजेंसियां देखें अलर्ट मोड पर हैं, चाहे एनडीआरएफ कहिए, एसडीआरएफ कहिए, और देखिए इससे कितने प्रभावित हुए हैं ट्रेनें। 550 रेलगाड़ियां इससे रद्द हो चुकी हैं, यानी कि सीधे प्रभावित, और जनता काफी परेशान। बिल्कुल, और 228 राहत टीमें इसलिए बनाई गई हैं, अनाउंसमेंट वहां पर लगातार हो रहे हैं, लोगों को अलग जगह शिफ्ट किया जा रहा है, नाव को ना ले जाने की चेतावनी दी जा रही है, 10 लाख लोग राजीव अभी तक हटाए। बिल्कुल, राहत शिविरों में ये लोग अभी रह रहे हैं, अपने घरों को छोड़कर इनको दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया गया है। अभी इस समय 14 जिलों में, जिसमें ओडिशा के भी जिले शामिल है और पश्चिम बंगाल के जिले शामिल है, वहां पर स्कूल बंद कर दिए गए हैं। ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या स्थिति है, आहट नजर आ रही है क्योंकि तेज हवा चल रही है और बारिश भी हो रही है। तमाम तस्वीरों के साथ आपको हम स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। समंदर की ऊंची ऊंची लहरें और गरजती हुई तेज रफ्तार हवाएं तस्वीरें ओडिशा के पुरी की हैं, और समंदर का बदला हुआ मिजाज बता रहा है कि तबाही का तूफान किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। चेतावनी के लिए समंदर के तट पर लगे हैं लाल झंडे ताकि पर्यटकों को दूर रखा जा सके। किनारे की दुकानें बंद हैं। पुरी से करीब 3,000 टूरिस्टों को वापस भेज दिया गया है। पुरी में 4 दिन तक होटल के बुकिंग पर रोक लग चुकी है। जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क के सूर्य मंदिर को भी एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया है। और ये तस्वीरें ओडिशा के भद्रक जिले की हैं। मौसम विभाग के मुताबिक यहां तूफान सबसे ज्यादा बर्बादी ला सकता है। भद्रक में अभी से भारी बारिश हो रही है। धुआंधार बारिश और तेज रफ्तार हवा से पेड़ धुंध में गुम दिख रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ रहा तूफान आज रात तक ओडिशा के तटीय इलाकों पर लैंडफॉल कर सकता है। समुद्री तूफान की वजह से ओडिशा के साथ साथ पश्चिम बंगाल का भी बड़ा इलाका प्रभावित होने वाला है। पूर्वी मेदिनीपुर के तेजपुर से समंदर तट की तस्वीरें देखिए। तूफान से पहले समंदर अशांत हो चुका है। पश्चिम बंगाल के 8 जिलों में तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया जा चुका है। मछुआरों को समंदर में नहीं जाने की चेतावनी है और बड़ी संख्या में लोगों को तटीय इलाकों से दूर राहत शिविरों में भेजा जा रहा है। दीघा से इंद्रजीत कुंडू के साथ अनुपम मिश्रा, धामरा आज तक। तो आशुतोष, इसी से आप समझिए कि कितना दमदार ये तूफान है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और कितना नुकसान या क्षति हो सकते हैं ये भी एक देखना होगा। लेकिन उससे मैनेजमेंट, यानी इस तरह से तूफान से बचने के तमाम प्रयास पहले से हो रहे हैं। ओडिशा पर सबसे ज्यादा असर दिखता है और इसे 6 राज्य हैं जिन पर असर हो सकता है। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। और देखिए, 14 जिलों के लिए अलर्ट जारी है और 120 से ज्यादा भी रफ्तार हो सकती है इस तूफान की। और हम सीधे आप सभी को लिए चलेंगे अनुपम मिश्र के पास, ओडिशा से हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं। अनुपम, आपकी मौजूदगी ओडिशा में कहां पर है, क्या मौसम विभाग इस वक्त बता रहा है और राज्य सरकार किस तरह से अलर्ट मोड पर है, टीमें कैसे तैयार हैं इस चुनौती का सामना करने के लिए? बिल्कुल, इस वक्त मैं धामरा इलाके में हूं जहां पर लैंडफॉल होने वाला है और यहां पर हवाएं काफी तेज चल रही हैं।
बारिश भी हो रही है और मेरे पीछे मैं आपको दिखाता हूं, जो एक क्रीक है, ये बैक वाटर है समुद्र के पास, यहां पर देखिए एक फिशिंग बोट वो किस तरह से टेढ़ी हो गई है, जो पानी का बहाव है वो अपने साथ बहा ले जाने की कोशिश में है, लेकिन इन्हें रस्सियों से बांध कर रखा गया है। ऐसे ही दृश्य, ऐसे ही नजारे इस वक्त यहां देखने को मिल रहे हैं और मछुआरों की कोशिश है किसी तरह अपनी फिशिंग बोट्स को बचाई जाए। ज्यादातर लोगों को रेस्क्यू सेंटर में ले जाया गया है। अभी हम थोड़ी देर पहले प्रशासन से बात भी कर रहे थे, उनके मुताबिक 90% लोगों को जो रिलीफ सेंटर हैं, रेस्क्यू सेंटर्स हैं, वहां पर पहुंचाया जा चुका है। तो जीरो कैजुअल्टी जो पॉलिसी होती है वो अपनाने की कोशिश की जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि कैजुअल्टी कम से कम हो और जो जितनी भी एजेंसियां हैं, चाहे NDRF हो, चाहे कोस्ट गार्ड हो, इंडियन नेवी हो, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हो, सभी को तैनात रखा गया है और काफी हद तक जो टीमें हैं वो अलर्ट मोड पर हैं। यहां पर देखिए लगातार जो टीमें हैं वो भी मूवमेंट कर रही हैं, जो अधिकारी हैं वो कोस्टल इलाकों में लगातार जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह यहां पर जो स्थितियां और परिस्थितियां हैं उनको नियंत्रण में रखा जाए और जो स्थिति हो चुकी है उससे किसी तरह यहां पर निपटा जाए। बारिश बहुत तेज है, हवाएं भी काफी हैं यहां पर। अनुभव, अगर हम एहतियाती कदमों की बात करें तो एहतियाती कदम क्या है? सवाल ये भी है, जो लोग अलग अलग जगहों पर शिफ्ट किए गए हैं, क्या उनके लिए इंतजाम पुख्ता है? जी बिल्कुल, इंतजाम तो पुख्ता किए गए हैं यहाँ पर। पिछले बार भी हमने देखा है कि उड़ीसा और बंगाल में काफी कोशिश की गई है कि किसी भी तरह जो कैजुअल्टी हो वो काफी कम हो। हालांकि जो नुकसान हो सकता है उस पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती, हवाओं की गति पर वो निर्भर करता है, लेकिन जो कैजुअल्टी होगी उसको रोकने की कोशिश हर बार की तरह इस बार भी है और उम्मीद की जा रही है कि जीरो कैजुअल्टी की जो पॉलिसी है उसको अपनाया जाए। अनुपम, एक बार आपका फिर से रुक करेंगे और वहां की जो स्थिति है वो आप लगातार दिखा रहे हैं, अपना भी ख्याल रखिएगा आप। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आप देखिए, ये तूफान की आहट अभी से सुनाई देने लगी है और ये सिर्फ उड़ीसा में नहीं, बंगाल में भी ऐसे ही हालात हैं। आशुतोष, बिल्कुल, इंद्रजीत कुंडू हमारे सहयोगी वो दर्शकों को अपडेट कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में किस तरह से अलर्ट मोड पर शासन प्रशासन है और मौसम विभाग क्या कह रहा है, देखिए जरा इंद्रजीत की रिपोर्ट। जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है उसी को फॉलो किया जा रहा है। पिछले कई दशकों से जिस तरह से ये जो साइक्लोन प्रोन जोन है उड़ीसा और बंगाल का तट या बंगाल की खाड़ी का जो इलाका है उसमें पिछले जितने भी चक्रवाती तूफान आए हैं उससे सीख लेकर हर बार जो है इन दो राज्यों के प्रशासन एहतियाती तौर पर बहुत सारे ऐसे कदम उठाती हैं। हम लोग इस वक्त दीघा में हैं और दक्षिण बंगाल के जितने भी जिले हैं वहां पे अलर्ट जारी किया गया है, खास करके पूर्वी मिदनापुर जिला जिस जिले में हम लोग इस वक्त है। दीघा एक पॉपुलर टूरिज्म स्पॉट है, हम लोग दीघा के प्रोमेनाड में हैं। आप देखिए ये प्रोमेनाड खचाखच भरा रहता है सैलानियों से, लेकिन कल से माइकिंग की गई है और जितने भी होटल्स, मैं कैमरा पर्सन को कहूंगा दिखाने के लिए, बीच के बिल्कुल बगल में जितने भी होटल्स यहां पे है सबको खाली कर दिया गया है और सरकार की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से बार बार माइकिंग की जा रही है ताकि जो पर्यटक अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं वो बीच के निकट ना आए, क्योंकि आप पानी का और समंदर का जो हालत है इस वक्त देख सकते हैं, ओवरकास्ट कंडीशन है, बारिश कभी रुक रही है कभी फिर से तेज हो रही है और जैसे दिन बढ़ता जाएगा दोपहर से शाम तक काफी तेज बारिश शुरू हो जाएगी, क्योंकि शाम से लैंडफॉल का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। तो ये अनसेफ माना जाता है, इसीलिए पर्यटकों को कहा गया है कि आप यहाँ पे ना रहे और जो लोग यहाँ के लोकल्स हैं, जो यहाँ पे रहते हैं उनको भी दूर यहाँ से हटाया गया है और इवैक्यूएशन सेंटर या सेफ हाउस जो है वहां पे रखा गया है। एक बार हमें दिखा दूं ताकि यहाँ पे पानी आसानी से, ये ड्रेनेज फैसिलिटी जो है उसकी काम यहाँ पे चल रही है, जो यहाँ के ऑफिशियल्स है वो साफ करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पानी ना जम जाए, क्योंकि कुछ देर में इतनी भारी बारिश होगी और जो यहाँ पे पानी का बाव है वो भी ऊपर आ जाएगा। तो उसका काम इस वक्त जारी है, जो इलेक्ट्रिक पोल्स है यहाँ पे इनका इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट कर दिया गया है ताकि शॉर्ट सर्किट का कोई चांस ना रहे।